हेलो एवरीवन द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई द्वारा क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों सीबीएसई ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। सबसे पहली बात दोस्तों यह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो यह है कि जिन भी विद्यार्थियों ने क्लास 11th में कोई और सब्जेक्ट लिया था बट क्लास 11th में पास होने के बाद वो क्लास 12th में जाते हैं और वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं दोस्तों, अगर किसी विद्यार्थी ने क्लास 11th में फिजिकल का पेपर दिया हो, जहाँ दोस्तों अगर वो फिजिकल एजुकेशन का पेपर दिया हो लेकिन क्लास 12th में जाने के बाद उसने फिजिकल एजुकेशन छोड़कर किसी और सब्जेक्ट कोई और सब्जेक्ट ले लिया, जैसे कंप्यूटर हो गया, अन्य वगैरह कोई सब्जेक्ट ले लिया हो, तो ऐसी स्थिति में उन विद्यार्थियों को सीबीएसई ने स्कूलों को यह आदेश दिया है कि बेस्ट ऑफ थ्री का एवरेज निकाल कर ही जो है उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट थ्री का एवरेज निकाल कर ही ऐसे सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा जिन्होंने क्लास 11th से क्लास 12th में सब्जेक्ट को चेंज किया है। क्लियर। दूसरी बात जो सीबीएसई ने दोस्तों बताई अपने इस नोटिफिकेशन में हुई है कि कोई भी विद्यार्थी यदि क्लास 12th में एब्सेंट रहा है या वो किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है, चाहे वो असाइनमेंट की बात करें, चाहे प्रैक्टिकल की बात करें, चाहे सीबीएसई द्वारा जो इंटरनल एग्ज़ाम लिए गए थे उसमें शामिल है, अटेंडेंस जो लिया गया था उसमें शामिल नहीं होता, तो ऐसे विद्यार्थियों को जो सीबीएसई दोस्तों कोई नंबर नहीं देगी, उन्हें उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उनका रिजल्ट 200 भी नहीं दिया जाएगा, उन्हें एब्सेंट लिखा जाएगा। और जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम में अपियर नहीं हुए हैं, चाहे वो अगर हम बात करें चाहे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें, चाहे असाइनमेंट की बात करें, चाहे इंटरनल असेसमेंट की बात करें, या सीबीएसई द्वारा जो प्री बोर्ड लिया गया तो उसकी बात करें, तो ऐसे बच्चों को दोस्तों 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जो पेपर होगा उसमें बैठना मैंडेटरी है। यदि वो इस पेपर को नहीं देंगे तो वो दोस्तों फेल माने जाएंगे। तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जो पेपर सीबीएसई द्वारा लिए जाएंगे तो उस पेपर में उन बच्चों को बैठना मैंडेटरी होगा जिन बच्चों ने सीबीएसई द्वारा जारी किए गए किसी भी एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए हैं, चाहे वो इंटरनल एग्ज़ाम हो, चाहे असाइनमेंट की बात हो, चाहे प्री बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों जो मैं नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण था, मैंने आपको बताना जरूरी समझा। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।